आपने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? कोई दुश्मनी थी या आपको काम करना ही नहीं आता? क्या हुआ है? नजर नहीं आ रहा, शक्ल बिगाड़ के रख दिया आपने मेरी, और पूछ रही है हुआ क्या है? ये तो रैशेस पड़ गए आपके फेस पे, कैसे हुआ ये? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं इस घटिया पार्लर में चली आई। अगर आपको काम करना ही नहीं आता है तो ये पार्लर क्यों चला रही है? देखिए, मुझे लगता है आपको पहले से कोई स्किन एलर्जी थी इसलिए ये हो गया। कोई एलर्जी नहीं थी, मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ, उसने मुझे बोला है कि आपने कोई एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक यूज की है। देखिए, अब तो आप इल्जाम लगा रही हैं, हम क्यों गलत और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट लगाएंगे अपने क्लाइंट पे? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज मेरा वलीमा है, मैं ये शक्ल लेके जाऊंगी स्टेज पे, या तो आप ये बच्चा संभालें या ये पार्लर चलाएं। अच्छा देखिए, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन आप यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, और थोड़ी ज्यादा बेस लगेगी आपका फेस कवर हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मेकअप फ्री करूंगी आपका। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अभी भी कोई कसर बाकी है जो आप पूरी करना चाहती हैं? मैं पागल हूं जो दोबारा इस कुर्सी पे बैठूंगी। एक्सक्यूज मी, तो आप दूसरी कुर्सी में बैठ जाएं। शट अप, आप जानती नहीं मुझे, मेरे ससुर एसएचओ हैं, केस कर दूंगी मैं आप पे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आप मरियम, अब क्या होगा? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, अब क्या करें? चले कहीं छुप जाते हैं, चलो। शुक्र है ये तो चली गई, लेकिन एक और आ जाएगी। चले ना, पार्लर बंद करके घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो कभी जेल भी नहीं गया। हम तो हर हफ्ते जाते हैं ना जैसे हाजिरी देने। वो धमकी देकर गई है, एसएचओ उसका ससुर है, वो हमें सीधा जेल में बंद कर देगा, और पता नहीं जेल में तो बच्चों के साथ क्या क्या होता है, मैं किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कुछ नहीं होगा, अगर जेल गई भी तो मैं ही जाऊंगी ना, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। कैसी बातें कर रही हो आमना, हम तुम्हें ऐसे अकेले जाने देंगे? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी? अच्छा अच्छा, हम भी चलेंगे। फेशियल के लिए वही सामान तुमने इस्तेमाल किया था ना जो उस लड़की से लिया था? कोई कार्ड दिया था उसने? नहीं, कार्ड तो नहीं दिया था, लेकिन तुमने उसका नंबर सेव किया था ना अपने फोन में। किस नाम से किया था मैंने? मिल गया, ये नंबर तो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। या अल्लाह, चाल चल गई है वो लड़की हमारे साथ, बेड़ा पार हो उसका। अब दुआएं तो ना दो तुम उसे। दादी तो ऐसे बुरा भला कहती हैं किसी को भी। मरियम, जो सामान उस लड़की से लिया था वो सारा अलग करना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक कह रही हो तुम, जरूर ये शराफत की चाल है। और पुलिस का क्या करें? आप जानती नहीं मुझे, मेरे ससुर एसएचओ हैं, केस कर दूंगी मैं आप पे। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।